नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं CBSE बोर्ड का माइग्रेशन सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट प्रोसेस करके बताऊंगा कैसे ये घर बैठे आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन से CBSE बोर्ड का माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। अब आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है और कॉलेज भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करेंगे, आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना, यहाँ पे आपको टाइप करना है डीजी लॉकर, यहाँ पे आपको डीजी लॉकर लिख के सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको डीजी लॉकर का एप्लीकेशन आपको ऊपर दिखने लगेगा। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना, सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। इस एप्लीकेशन का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे आप यहां पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा। यहां पे आपका नेम आ जाएगा, देख सकते हैं वेलकम टू, यहां पे मेरा नेम आ रहा है, यहां पे और आपका फोटो आ जाएगा। तो गाइस, यहां पे डिजी लॉकर से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो डाउनलोड करने के लिए आपको डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करना होगा, यानी आपको एक अकाउंट बनाना होगा। अगर आपने अभी तक अपना डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले आपको अकाउंट बना लेना है। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप जान सकते हैं डिजी लॉकर में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। सारा कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, मेरे चैनल पे ऑलरेडी इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी पहले वीडियो डाल के रखा हूं, कैसे अपना डिजी लॉकर पर अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैसे अपना मार्कशीट को डाउनलोड करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे अपना क्लास 10th या 12th हो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पे अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर नीचे देखने मिलेगा सर्च का एक बटन, बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहां पे देखने मिलेगा ऊपर में सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स, बस क्या करेंगे, सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करना। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, बस क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी CBSE बोर्ड का जितना भी सारा डॉक्यूमेंट होगा सारा कुछ यहां पे आपको देखने मिलेगा, जो भी डाउनलोड करना। जैसे यहां पे आपको देखेंगे, यहां पे आपको फोर्थ नंबर में देखने मिलेगा क्लास 10th माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहां पे क्या करेंगे, क्लास 10th माइग्रेशन सर्टिफिकेट में इस जगह क्लिक कर देंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपका नेम आ जाएगा, जब भी आप अकाउंट क्रिएट किए होंगे तो वहां पे आपका नेम यहां पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, अपना रोल नंबर यहां पे फिलअप करेंगे, जो भी आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर है उस रोल नंबर को यहां पे फिलअप करना है। तो चलिए मैं अपना यहां पे रोल नंबर फिलअप कर लेता हूं। यहाँ पे अपना रोल नंबर सही सही फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ईयर, यानी आपको यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ईयर यहाँ पे आपको फिलअप करना, जो भी आपका ईयर होगा यहाँ पे क्या करेंगे, जिस भी ईयर में अपना एग्जाम पास किया उस ईयर को यहाँ पे फिलअप करना। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना ईयर को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना रोल नंबर और यहाँ पे अपना ईयर सही सही फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा गेट डॉक्यूमेंट, बस क्या करेंगे, इस गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे क्लास 10th माइग्रेशन यहाँ पे फेचिंग यानी खोज रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से देखने मिलेगा। बस क्या करना, आपको यहां पे देख सकते हैं इसे मेरा यहां पे 100% पे खोज लिया गया। उसके बाद आपको करना है कि इसमें क्लिक कर देंगे। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे देखेंगे क्लास 10th माइग्रेशन यहां पे नीचे आ गया, नीचे आने के बाद यहां पे क्या करेंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट देखने मिलेगा। यहां पे आप देखेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी आपका माइग्रेशन इस तरह से देखने मिलेगा। मैंने इसको हाइड कर रखा है क्योंकि मेरा पर्सनल डेटा, इसको मैंने हाइड कर रखा। तो गाइस, इस तरह से बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फोन से डिजी लॉकर के थ्रू आप अपना माइग्रेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये माइग्रेशन गाइस ऑल ओवर इंडिया यानी कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल माइग्रेशन होगा। यहां पे आप देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर बाय कंट्रोल एग्जामिनेशन, यानी आपको ये पे डिजिटल सिग्नेचर किया होता है, ये आपका माइग्रेशन मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से बड़ी आसानी से आप क्लास 10th हो क्लास 12th हो आसानी से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ पूछना हो कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।